square plus ax plus sine inverse x square minus 4x plus 5 plus cos inverse x square minus 4x plus 5 equal to 0 has at least one solution. For at least one solution, ठीक है ना, इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन. देखते हैं ना, अब ये जो भी है, देखिए ऐसा है क्वेश्चन के अंदर जिस चीज पे आपकी नजर जानी चाहिए वो बताता हूं, बड़े शानदार वाली बात. ये तो सबकी नजर पड़ी गई कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स तक तो बराबर है, साइन इनवर्स के अंदर और कॉस इनवर्स के अंदर का मटेरियल सेम है, दिख रहा है आपको, तो पाई बाई टू. तो मैंने अगर लिख दिया तो इट इज पाई बाई टू इक्वल टू जीरो. नाउ इट इज वेरी श्योर कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या कोई बात समझ में आ गई? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है ना, एटमोस्ट वन सॉल्यूशन जैसे शब्द यूज होते हैं. क्या कोई बात पता है ना? अच्छा, यहां की थोड़ी सी याददाश्त मतलब मेमोरी के लिए कुछ है ना बातें याद दिला देता हूं, ठीक है ना. बड़ी छोटी सी बात याद दिलानी है मेरे को कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कब आता है? बिल्कुल एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बी इक्वल टू जीरो आता है. क्या ये बात पता है? अच्छा, मोर देन वन सॉल्यूशन बी ग्रेटर देन जीरो आता है. तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मतलब होता है कम से कम एक सॉल्यूशन. कम से कम एक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूशन भी चलेगा और दो भी चलेंगे. तीन चलेंगे क्या? चलेंगे, परंतु क्वाड्रेटिक तीन सॉल्यूशन देता नहीं है, बस है ना, चल तो जाते हैं लेकिन देता ही नहीं, तो क्या करें. तो कहने मतलब ये कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होने पर डी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, टू सॉल्यूशन होने पर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और है ना एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होने पर डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोलना चाहिए मुझे. ये तो मेमोरी के लिए मेरी है ना, मतलब अगर मुझे याद नहीं हो तो मैं बताता हूं, चल रहा हूं. अब आ जाता हूं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मैं लिख लेता हूं. डी का मतलब याद है ना, बी स्क्वायर माने ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू फाइव बाई टू कर दूं भाई, सही ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कुछ काटा पीटी करके टू पाई. तो फाइनली मेरे को यहां से बदलता है इसको, जो मैं ब्रेक करूंगा तो इट इज ए माइनस, ठीक है ना, रूट टू पाई, ठीक है ना, और ए प्लस रूट टू पाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा. क्या लगता है कितने ब्रैकेट? तो बड़े से बड़ा आंसर क्या हो गया? बड़े से बड़ा माने ए इज ग्रेटर देन रूट टू पाई, और दूसरी तरफ से यूनियन ए इज लेस देन इक्वल टू माइनस रूट टू पाई, माने ए बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिट से माइनस रूट टू पाई यूनियन, ठीक है ना, रूट टू पाई से लेकर के इन्फिनिट तक. ये लीजिए साहब आंसर आ गया, ठीक है, हमारी शीट में तीसरा चौथा पहला क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज टू के अंदर, ठीक है ना, मिल जाएगा सेकंड. चलो बहुत बढ़िया है ना, तो इसका मतलब सेकंड में तो अपना आंसर तो मिल जाएगा, वहां पे टिक मार्क कर लेना, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना. बाहर आईआईटी में आ जाए या किसी भी उस दूसरे एग्जाम में आ जाए तो प्लीज इसका फॉलोअप मत करना, ठीक है, ये शीट के लिए है, सिर्फ, ठीक है ना, ओनली फॉर शीट. भाई शीट में आपको अपना आंसर मिलेगा ही नहीं, है ना, बोनस की व्यवस्था हमने शीट में करी नहीं है, तो मतलब खुशी की व्यवस्था जरूर कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आंसर तो मिला ही देता हूं मैं कैसे भी करके, ठीक है. अच्छा, अब मैं बताता हूं गड़बड़ कहां हो गई. गड़बड़ ये हो गई कि यार पाई बाई टू ऐसे मुंह फाड़ के थोड़ी ना बोलना है, कंडीशन होती है भाई, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू पाई बाई टू, तब होता है जब अंदर वाले दोनों का मॉड लेस देन इक्वल टू वन हो, याद है ना. तो कहने मतलब ये कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है ना, पॉसिबल तब है जब मॉड एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस पांच, ठीक है ना, इज लेस देन इक्वल टू वन हो. इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस पांच जो है वो वन और माइनस वन के बीच होना चाहिए, सही है. आपको पता होगा इस तरह की इनइक्वालिटी को डील करने के लिए हम लोग हर बार दो हिस्से कर लेते हैं, तो इस वाले हिस्से की बात करता हूं. एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इज लेस देन इक्वल टू वन, बच्चा जानता है अगली लाइन में एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस चार लेस देन इक्वल टू जीरो, उसके बाद में हर किसी को पता होना चाहिए एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो. ये मैं थोड़ा तेज खींच रहा हूं लेकिन इतने भी तेज नहीं कि आपको दिखे नहीं कि होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन इक्वल टू जीरो तो पॉसिबल है. तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो माने एक्स इज इक्वल टू
टू। तो मैंने पूरी कहानी कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू टू हो। ये तो इसने बोला, और उधर वाला क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। ये बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस पांच इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। इसका मतलब दुनिया की नजरों में एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस छह इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या मेरी बात समझ गए, है ना भाई? अच्छा, क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं क्या? क्यों? इसका डी कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। इसका डी की बात करते हैं। डी आया 16 माइनस चार इंटू छह, नेगेटिव आ गए सब, और डी नेगेटिव आते ही नो सॉल्यूशन। सोच के बोलना, नो सॉल्यूशन है ऑल सॉल्यूशन। अरे सोच के बोलो, आंसर बोलना, ऑल सॉल्यूशन है ना। तो एक्स बिलोंग्स टू आर कर दूं, सही है। ये कहता है मैं सब जगह जिंदा रहूंगा, और ये कहता है कांट रहूंगा दो पे। फाइनली दोनों का, दोनों में एंड लगता है और लगता है एंड। एंड माने इंटरसेक्शन। इसका मतलब आर और टू का इंटरसेक्शन में कौन जीता, आर या टू? टू छोटा जीता ना इंटरसेक्शन में। तो फाइनली अपने पास एक्स इज इक्वल टू कितना है, टू। सो पॉसिबल फॉर एक्स इज इक्वल टू टू ओनली। और अगर एक्स इज इक्वल टू आ गया तो हमारी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक रही नहीं ना, फिर क्वाड्रेटिक क्या बन गई? देखो जरा, एक्स स्क्वायर की जगह टू का स्क्वायर प्लस टू ए प्लस पाई बाई टू। माने टू पे ये पाई बाई टू बन जाएगा, नहीं यही बात? और अगर ये टू पे पाई बाई टू बन जाएगा तो इक्वल टू जीरो कर दो ना, तो इसका मतलब टू ए इज इक्वल टू कितना बन गया, माइनस पाई बाई टू प्लस फोर। और ए इज इक्वल टू कितना निकला, माइनस पाई बाई फोर प्लस टू। लीजिए सब, ए की वैल्यू आ गई। तो कहना मतलब ये कि ए की इसी वैल्यू के लिए ये जीरो है, और इसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन आ जाएगा। कहानी पकड़ में आई आपको? इसका मतलब ये पूरी कहानी ही फर्जी थी। हाँ, आंसर शीट में कहीं दूर दूर तक इसके बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन बाहर की सारी बुक्स में करेक्शन कर दिए गए, ठीक है ना। बाहर की जितनी भी बुक्स हैं उनमें करेक्शन है, ये इस बार वाली शीट में भी हमने करवा दिया है, वरना दो तीन साल से हम गलत ही ढो रहे थे इसमें। लिख लीजिएगा करेक्ट मेथड। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आईटीएफ के अंदर ये भी बहुत काम का टाइटल माना जाता है, सॉल्विंग इनइक्वालिटी। राइट है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाता है वो सिखा रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन है मेरी तरफ से, फर्स्ट कॉट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस में फाइव टाइम्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू भी नहीं है, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। देख लिया आपने? अच्छा, रूल नंबर वन, ठीक है ना भाई। स्टेप वन, सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैं स्टेप लिख के दे रहा हूं ताकि घर पे जाकर के भी अगर किसी क्वेश्चन में आप बैठ के स्टेप से स्टेप मिला करके करने की कोशिश करें, बन जाएगा। पहला स्टेप, ठीक है ना, मेक ऑल आईटीएफ सेम। सबसे पहले सारे आईटीएफ सेम मान कर लें, ठीक है ना। एंड टेक आईटीएफ इज इक्वल टू टी, आईटीएफ इज इक्वल टू टी, एंड सॉल्व इनइक्वालिटी। सबसे पहले सारे आईटीएफ समान बना लें, और जो भी आईटीएफ उसे टी मान करके इनइक्वालिटी को हल कर लें। आईटीएफ समान बनाने का मतलब यह है कि कल को आपकी तकदीर तेज हो सकती है कि यहां कॉट इनवर्स था और यहां टेन इनवर्स था, तो पहले आप तय कर लें कि आपको टेन इनवर्स में खेलना है कि कॉट इनवर्स में खेलना है। जो खेलना है एक में खेलना है। मेरी बात नहीं समझ में आई? यहां तो आपकी किस्मत तेज है, सारे कॉट इनवर्स है, वरना आपके सब में एक कॉट इनवर्स एक साइन इनवर्स होता तो मैं आपको कहता सारे या तो साइन बदल ले या सारे कॉट बदल ले, लेकिन एक में आ जा, सारे आईटीएफ समान बना लें और आईटीएफ को टी मान लें। इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कॉट इनवर्स एक्स को क्या मान लेना चाहिए, टी मान लेना चाहिए, राइट है।
लेकिन टी मानते ही, अगर मैंने टी मान लिया तो मैं आपको पहले बता देता हूं, टी में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के अंदर ही देखूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, अगर मैंने टी मान लिया तो मैंने टी को कैसे देखूंगा? मेरे लिए हो गया टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इसमें किसी को एतराज हो तो बोल दीजिए। क्या जीरो से पाइएगा? गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है ना। हाँ भाई, इस नीचे वाले में किसी को प्रॉब्लम तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम? ये समझ में आ गया, ये हुआ गया है ना। अच्छा, फिर अगली लाइन के अंदर टी माइनस टू टी माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, दो ब्रैकेट इधर या उधर, तो या तो टी कैसा होगा तीन से बड़ा, यूनियन, या टी कैसा होगा दो से छोटा। अब जल्दी से इन इक्वालिटी की दुनिया में आ जाओ, राइट है, यहां तक की बात हो गई, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड, एड रेंज ऑफ, सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड स्टेप है, एड रेंज ऑफ आईटीएफ विद सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है ना, इनइक्वालिटी। देखिए साहब, जो आपकी रेंज है ना, रेंज, आपने रेंज यहां देख ली थी ना कॉट इनवर्स एक्स की, इसको इसके साथ ऐड करके जवाब दें। बड़े ध्यान से समझना ही बात, अगर नहीं आई तो ये समझना ही है। देखो, आप यहां पे दुनिया को बोल रहे हो कि या तो आपका टी कैसा रहेगा तीन से बड़ा या फिर दो से छोटा, राइट है ना भाई। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका टी ऑलरेडी जीरो से पाई में ही है, तो ध्यान से ये भी समझ लेना कि इसमें जीरो भी घुसे दो भाई, और एक आपको पाई भी लगाना है। क्या आपको ये बात समझ में आई? नहीं आई? अच्छा, एक बंदा कह रहा है, ये वाला बंदा कहता है कि वो जीरो से पाई में रहेगा, इसका मतलब उसकी स्प्रिंग जीरो से पाई में रख दूं भाई? क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, जबकि व्हाइट वाली स्प्रिंग तीन से उधर है और माइनस दो से इधर है, बताइए फाइनली टी कहां से काम है? एक से मैं लिख लूं, ठीक है ना, टी आपका कहां से काम है साहब? जीरो से टू यूनियन, थ्री से पाई। यहां तक मैं किसी को दर्द हो तो बोलिए, नहीं है? अच्छा, अब टी क्या था? कॉट इनवर्स एक्स। इसका मतलब आप इनडायरेक्ट वे में मुझे बता रहे हैं कि कॉट इनवर्स एक्स आपका दो से जीरो में है, यूनियन आपका कॉट इनवर्स एक्स कहां से काम है? तीन से पाई में। ये बात समझ में आ गई आपको? नहीं आई? यहां तक की बात आ गई। अब जब आपने ये भी कर लिया, उसके बाद में अब आपको एक्स निकालना और आपका आंसर आने को तैयार बैठा है, लेकिन उसमें भी रूल नंबर तीन अपनी बात लगवाएगा ही लगवाएगा, उसको भी समझना। रूल नंबर तीन कहता है, ठीक है ना, बिफोर गिविंग वैल्यूज ऑफ एक्स ऑलवेज फॉलो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ आईटीएफ। जो भी आपका आईटीएफ है उसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर को जरूर फॉलो कर लेना। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स एक्स इज कैसा फंक्शन? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए एक्स तक जाने से पहले जब आप कॉट को इधर उधर फेंकोगे तो एक्स तो ये रह जाएगा, ये कॉट टू हो जाएगा और वो कॉट जीरो हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? यूनियन दूसरी तरफ से, एक्स तो वही रह गया, इधर आकर के कॉट पाई हो गया और उधर जाकर के वो कॉट थ्री हो गया और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई, राइट है। अब आपको ये पता होना चाहिए कॉट जीरो कितना होता है? कितना? इन्फिनिट। पक्का है ना भाई? बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना, कॉट जीरो इन्फिनिट, श्योर है ना? अच्छा, और कॉट टू, सुना, कॉट टू, कॉट टू, तो मतलब आपका एक्स कॉट टू से कहां तक है? इन्फिनिट तक। अच्छा, दूसरी तरफ से कॉट पाई कितना होता है? कॉस पाई अपॉन साइन पाई, कितना? जीरो होता है। अच्छा, कॉस पाई कितना होता है भाई लोगों? माइनस वन। और साइन पाई कितना होता है? जीरो। तो माइनस वन अपॉन जीरो इन्फिनिट होता है, माइनस इन्फिनिट होता है। हाँ, माइनस इन्फिनिट, पक्का रहो आप, ठीक है ना। हाँ, अब जिनको नहीं पता उनके लिए कॉटेक्स का ग्राफ हाजिर है, कॉटेक्स का भी ग्राफ होता है। हाँ, ठीक है, आप में से कई लोगों को तो पता है पहली कॉटेक्स का भी ग्राफ, अच्छा ये बहुत बेकार है। ठीक है, कॉटेक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है साहब, आप जीरो पे खड़े हो और यहाँ पाई पे खड़े हो, कोई मेरे को बताए पाई पे कहा हूं? माइनस इन्फिनिट। और जीरो पे कहा है? प्लस इन्फिनिट। तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस इन्फिनिट से बड़ा एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिट बट लेस देन कॉट थ्री, यूनियन फिर
कॉट टू से बड़ा एक्स पर लेस देन इनफिनिट। कोई मेरे को बताएगा फाइनली एक्स ढंग से लिखता हूं तो कहां से कहां तक लिखा जाएगा? बिल्कुल सिंक्रोनाइज ऑर्डर में बोलना। हाँ एक बंदा बोल रहा है, सही बोल रहा है वो, माइनस इनफिनिट से कॉट थ्री, फिर यूनियन, फिर कॉट टू से ऐसे आया। हाँ ठीक है चलें, हो गया कॉपी, फटाफट कॉपी कर लो, मैंने लिख दिया ये, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं बोलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सॉल्व sec inverse x का होल स्क्वायर माइनस सिक्स sec inverse x प्लस एट इज ग्रेटर देन जीरो। सॉल्व करें, खुद करना है ना। जिनसे स्टेप नंबर वन हो जाए, स्टेप नंबर वन खत्म होने के बाद हाथ खड़ा कर देना कि स्टेप नंबर वन डन। थोड़ा ज्यादा जल्दी हो गया आपसे अभी टी तो मान लो। अभी स्टेप नंबर टू की तरफ भागो, इसमें सेकेंड वर्स एक्स की रेंज जोड़ो, याद करो सेकेंड वर्स एक्स का ग्राफ बना लो, रेंज दिख जाएगी। इसका स्टेप टू आपकी जान ले लेगा पक्का, अगर आप में जरा से भी बुद्धि की कमी है ना, खटाक से नहीं जान ले लेगा ये पक्का। स्टेप टू आपको पिदा देगा, सही सोच के भी गलत सोच जाओगे आप। स्टेप टू बहुत क्रिटिकली निकालना है, जीरो से पाई, पाई बाय टू हटा करके हाँ जोड़ो आप इसको, इसको उसमें आपको ऐड करना है, मर्जब कराओ आप। बनाए आप लोगों ने? तब तक जिन बच्चों को पहला स्टेप लिखने में भी तकलीफ हो रही है कि नहीं, सेकेंड वर्स एक्स इज इक्वल टू टी, बताते हुए कि टी अपने आप में क्या बताया आप लोगों ने, जीरो से पाई माइनस है ना भाई, ये लिखा होगा, और जैसे ये लिखा होगा इट इज टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी प्लस एट इज ग्रेटर देन जीरो। अब वो वन टू थ्री नहीं लिखेंगे अपन, आप चाहो तो लिख लेता हूं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा टी माइनस टू टी माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब टी कैसा, चार से बड़ा, यूनियन टी कैसा, दो से छोटा। क्या तक बात समझ में आ गई? अगले पॉइंट पर आ रहा हूं, इसमें क्या करना है मुझे, रेंज ऐड करनी है साहब, है ना। रेंज तो ये ही, ये कैसे, इसको किस डालेंगे इसमें, इसको डालने के लिए अकल चाहिए बस, वही वही है जो क्रिटिकल है, ठीक है ना भाई। ये जो चीज है ना इसी को दोबारा लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, जीरो से पाई बाय टू ओपन, यूनियन पाई बाय टू से पाई क्लोज। क्या मैंने पाई बाय टू इधर टच किया, इधर किया, मैंने दोनों केसेस में पाई बाय टू को खत्म कर दिया मैंने, जीरो से पाई बाय टू फिर ओपन फिर पाई बाय टू ओपन से पाई, मैंने पाई बाय टू को दिखाया लेकिन लगाया नहीं कभी भी, सही है ना। अब आप अपने आंसर में मिलाओ, ये वाली पार्टी कहती है दो से छोटा रहेगा, वो वाली पार्टी कहती है चार से बड़ा रहेगा, तो ये येलो स्प्रिंग इन दोनों के नाम की, और व्हाइट स्प्रिंग पे आता हूं, याद है कहां जीरो दिखा आपको, जीरो यहां होगा, यहां पे ले लो जीरो, पाई बाय टू कहां होगा, दो से पहले है बाद में जी, तो पाई बाय टू की वैल्यू ऑब्वियस ही बात है 1.57 और इससे पहले होगा, ठीक है ना। और फिर पाई कहां होगा, चार से पहले या बाद में, पहले, यहां पे लगा दूं पाई, तो जीरो से पाई बाय टू माने क्लोज, जीरो से चला पाई बाय टू ओपन, फिर पाई बाय टू ओपन से ये क्या कहते हो, फाइनली बताओ कहां से कहां तक स्प्रिंग आपके हाथ में आ रही है, जहां येलो और व्हाइट दोनों है, जीरो से पाई बाय टू और पाई बाय टू से टू, या कहता पाई लू कहां तक लू, टू तक, क्योंकि यहां दोनों स्प्रिंग नहीं है, यहां सिर्फ व्हाइट स्प्रिंग गई है, तो फाइनली मेरा आंसर कहां से कहां तक हुआ, T belongs to, एक बार तो ऐसे ही लिखूंगा, जीरो से जीरो क्लोज से पाई बाय टू ओपन, यूनियन पाई बाय टू ओपन से टू क्लोज या ओपन, बहुत ही बढ़िया ओपन। अब मैं फिर हट गया, थर्ड स्टेप उठाओ, क्योंकि इसको तभी आप बिछाओगे ना,
देखो पिछला क्वेश्चन मिलाओ, हाँ भाई हो गया क्या या नहीं हुआ, चलते चलो अब मेरे को बताते चलना कि हाँ सर यहाँ तक हो गया डन। किसी का भी आंसर आता है मेरे को अटकड़ा करते ना कि सर आंसर तक तो लगा दिया, एक अब आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ सेकंड वर्स एक्स, सेकंड वर्स एक्स कहीं दूर नहीं है आपकी कॉपी में। देखिए साहब मिला लेते हैं, आइए ये कहता है कि टी अपने आप में पाई बाय टू से छोटा पर इक्वल टू जीरो है, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, इसे ऐसे लिखते हैं यूनियन, इसे कैसे लिखते हैं टू और पाई बाय टू दोनों साइड ओपन इक्वल टू का साइन है। सबसे पहले तो लिखना, क्योंकि मैंने आपकी कॉपी में इससे पहले वाले क्वेश्चन को ऐसे ही लिखा है तो आपको देख के अरे मैंने तो लिखा ही नहीं ऐसे, मैंने बताया ना गाँव की देहाती औरत ऐसे देख लेती हो ये, अरे यार ये तो रह गया, ठीक है ऐसे स्टेप बाय स्टेप। फिर क्या टी, टी की वैल्यू कितनी sec inverse x और यहां कितना 2 और यहां कितना पाई बाय 2 और यूनियन इधर की तरह देखा जाए तो sec inverse x और यहां कितना पाई बाय 2 और वहां कितना 0। अब इससे पहले कि मैं sec inverse x को भगाऊं मेरे सामने ग्राफ sec inverse x का आ जाए तो मैं ज्यादा बढ़िया महसूस करूंगा, है ना। ये बीच में मैंने बनाया फ, सही है भाई, फ बनाने के बाद लाइन यहां खींच ली और ये वाली बॉल इधर चली गई, येलो बना लेता हूं इसको, है ना, ताकि अपने को याद रहेगा सेकंड वर्स एक्स का ग्राफ ये येलो या ये येलो, सही है भाई। अब आपको पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहां से कहां देखते हैं, तो लेफ्ट से राइट में इंक्रीजिंग, लेफ्ट से राइट में माने इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। अब आ जाइए एक्स, इधर तो हो जाएगा sec पाई बाय 2, ठीक है ना भाई, और उधर हो जाएगा sec 0, श्योर है, यूनियन इधर हो जाएगा एक्स के टाइम पे sec पाई बाय 2, ठीक है ना, और इधर हो जाएगा sec 2। बड़ा मस्त क्वेश्चन जाने वाला है, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फील आ रही है, क्योंकि sec पाई बाय 2 दोनों में क्या स्मार्टली खेल रहा है बंदा, ठीक है ना, sec पाई बाय 2 बहुत स्मार्टली खेल रहा है, ठीक है। अब मेरे सामने y इज गुड में sec x का ग्राफ आना चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं गड़बड़ कर ही बैठूंगा पक्का, ठीक है ना। तो sec x का ग्राफ लाते हैं भाई, sec x का ग्राफ लाने के लिए पहले बनाना पड़ता है cos, आइए cos का ग्राफ बन गया, देख लीजिए cos का ग्राफ बन गया, बन गया, बनने के बाद में लाइनें खड़ी हो गई, सही है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ है ना sec x का ग्राफ बनाना है जो कि येलो ग्राफ है और मेरी नजर सिर्फ येलो ग्राफ पे रहेगी, व्हाइट ग्राफ तो सिर्फ सपोर्ट के लिए है, सही है। और आपको जानकर के बहुत खुशी होगी ये जगह पाई बाय 2 है, ये sec x का वो हिस्सा है जहां पाई बाय 2 से बड़ा या छोटा, पाई बाय 2 से बड़ा या छोटा बड़ा, और ये sec x का वो हिस्सा है जहां sec x पाई बाय 2 से छोटा, जब मैं पाई बाय 2 से छोटा हूं तो कहां हूं इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर, और जब मैं पाई बाय 2 से बड़ा हूं तो कहां हूं माइनस इनफाइनाइट पर। इसका मतलब ये कि जब भी x पाई बाय 2 से, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से, x पाई बाय 2 से sec 2 में, ये सोचना पड़ेगा कहां से कहां है ना। अच्छा यहां छोटा किससे हो सकता है, इन्फाइनेट से कि माइनस इन्फाइनेट से, इन्फाइनेट, इन्फाइनेट से लेकर के, और sec 0 कितना होता है 1, श्योर, वेरी गुड। अच्छा इधर आ जाओ जरा, क्या कहता हूं x माइनस इन्फाइनेट से sec 2, सिंपल, सही है, आ जाइए इक्वल टू भी लगाना क्या, हाँ एक आधी जगह इक्वल टू इधर चलेगा, इधर इधर है ना, लीजिए। अच्छा अगर आपको थोड़ी थोड़ी बात पल्ले पड़ रही हो, वैसे तो बहुत टेढ़ी-मेढ़ी बात है, लेकिन फिर भी मान लो जैसे किसी के कुछ गड़बड़ रह गया तो मिलाते हैं, आओ जीरो है ना sec 0 से पाई बाय 2, जीरो पे इट इज 1, पाई बाय 2 पे इट इज इनफाइनाइट, तो रेंज कहां से कहां तक गई 1 से इनफाइनाइट, तो इधर वाला 1 से इनफाइनाइट लग गया, ठीक है ना। फिर आप पाई बाय 2 से फिर चलोगे, sec पाई बाय 2 से इधर चलोगे, इधर से चलोगे और कहां तक गए sec 2 तक, 2 का मतलब पाई बाय 2 से जरा सा आगे, जरा सा, क्योंकि ये जगह है ना, ये जगह 3.14 आ गई, तो आप sec 2 पे खड़े हो, तो आप कहां से चले माइनस इनफिनिट से sec 2, इसलिए माइनस इनफिनिट से sec 2। जिन बच्चों को ग्राफ की अच्छी पकड़ है, किसी किसी पे मेहरबानी होती है ऊपर वाले की जबरदस्त, उनको खट से समझ में आता है कि हाँ यार दिख गया यार 1 से इनफिनिट और माइनस इनफिनिट से sec 2, उनको दिखता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूं, मतलब मैंने आंसर दिखाया है, कोशिश करिए दिखाने की, है ना।
फिर भी नहीं दिख रहा हूं तो घर पे जाकर एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। बस आप तो कॉपी कर लो, आगे चलो, ठीक है। अच्छा, फिर भी मैं वापस पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए किसी से ये ग्राफ नहीं बना, ठीक है, यहां तक भी आ गया तो भी चलेगा, ठीक है। कोई बिल्कुल इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट लगा गया था क्या? क्योंकि कई लोग तो क्या करते हैं ना, अक्कल से ही खेल जाते हैं। उन्हें पता है दोनों तरफ इन्फिनिट लगाना बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहां इन्फिनिट लगा दिया, जहां माइनस इन्फिनिट वहां इन्फिनिट लगा दिया, तो क्या कर बैठे पता है आपको? आप पहले आदमी हो गए जिसने एक्स ग्रेटर देन इन्फिनिट ढूंढ लिया। नहीं आया समझ में? एक्स जो इन्फिनिट से भी बड़ा ढूंढ लिया आप, तो आपको वहां शक होना चाहिए यार, कुछ मैंने लगता है कुछ कर दिया है, ठीक है। अगले पॉइंट पर बात करो, है ना, अगला क्वेश्चन करूं? नहीं आया समझ में? देखो आप कितनी क्लासिक थॉट है, दोनों तरफ सेक पाई बाई टू है, लेकिन मैं इन्फिनिट इन्फिनिट यूज नहीं कर रहा। ये है आपके लिए अड़ने की जगह, जो आपको किरकिराहट होनी चाहिए। जहां अगले पे चलो, नेक्स्ट। मैं तो बोलना ही बंद कर दिया आज का। साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। अब तो क्या मैं बड़ी अम्मा छोटी अम्मा इसी में काम चला लेता हूं, ठीक है। सेकंड, टेन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन वन, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, पिछली सारे इनइक्वालिटी की धज्जियां उड़ाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। नंबर वन, स्टेप नंबर वन, बड़े ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स को टी मानना है, मान लिया, ठीक है। कहां से कहां में होता है? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में होता है, सोच लिया, सोच लिया। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, टी रखना है, और क्या करना है? अगर आपने टी रख दिया तो दुनिया को दिखेगा टेन स्क्वायर टी इज लेस देन वन, फिर क्या करोगे? फिर एक ही चॉइस बचती है, टेन स्क्वायर टी माइनस वन लेस देन जीरो, फिर क्या करोगे? टुकड़े टुकड़े, टेन टी माइनस वन इंटू में कितना, टेन टी प्लस वन लेस देन जीरो। कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको? तो टेन टी कहां से काम है? टेन टी वन और माइनस वन के बीच, श्योर है? अच्छा, टेन टी अगर माइनस वन से वन में, इसका मतलब टी कहां से काम है? हाँ बोलो ना, कुछ गलत कर दिएगा, कुछ गलत कर दिएगा, हाँ वो क्वेश्चन मेरे से गड़बड़ हो गया। ओ गुड, वेरी गुड, चलो बस जरा जरा पीछे चलना है, इधर ग्रेटर देन कर देते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा और ऊपर भी गड़बड़ करा है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बाकी ये रात नहीं दे रहा था आपको, मैंने यहाँ सही कर दिया था, आपको नहीं पता। टेन टी प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब टेन टी कैसा, या तो एक से बड़ा, यूनियन टेन टी कैसा, माइनस एक से छोटा, सही है भाई? मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ, सोए तो नहीं, इसके लिए मैं ऐसी गलतियां करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि टी इज ग्रेटर देन कितना? बोलना पड़ेगा, टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन, याद है ना? लेकिन उधर ले जाने से पहले टेन इनवर्स को उधर ले जाने, माने टेन को उधर ले जाने से पहले पक्का कर लो इंक्रीजिंग है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो टी इज ग्रेटर देन पाई बाय फोर बोल दूं, और उधर कितना बोल रहे हो? टी इज लेस देन माइनस पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय फोर या थ्री पाई बाय फोर? माइनस पाई बाय फोर, श्योर है ना? माइनस पाई बाय फोर, मैंने पहले भी कहीं रोका होगा, एनीवे, लेकिन क्या ये आंसर है? क्या क्या ये आंसर मान लू? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी इसको किससे मिलाना है? उससे ऐड कराना है, टी का ये आंसर कबूल नहीं होगा, ये होगा दोनों मिला करके। तो फाइनली अगर देखा जाए तो दोनों को मर्ज करा लू, दोनों की मर्जिंग से देखा जाए तो टी कैसा, ये बताओ साहब, ये क्या चाहता है? पाई बाय फोर से बड़ा, व्हाइट चॉक, इधर माइनस पाई बाय फोर से छोटा, वो बच्चा तो तीन बारी से क्वेश्चन नहीं पकड़ पाया, जब भी मैं इनइक्वालिटी में होता हूं उसको पता नहीं कैसे है ना झटका लगता है और वो कहीं और निकल जाता है, ठीक है। वो तीसरी बार तो पकड़ ले इस गाड़ी को, ये कह रहा है टी पाई बाय फोर से बड़ा है, माइनस पाई बाय फोर से छोटा, इधर या इधर। अब व्हाइट चॉक से ये दिखा रहा हूं, सॉरी येलो चॉक से, टी कहां से काम है? ये पाई बाय टू यहां कहीं होगा और माइनस पाई बाय टू यहां कहीं होगा, श्योर है? और इससे इस दोनों के बीच में रहना है, तो बताइए साहब सबसे ज्यादा मिक्सिंग कहां हो रही है? टी कहां से काम है? टी माइनस पाई बाय फोर से माइनस पाई बाय टू यूनियन, दूसरी तरह से देखा जाए तो टी कहां से काम है? पाई बाय फोर से पाई बाय टू में, और टी किसे माना था? साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इज इन बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय फोर, और साइन इनवर्स एक्स इज इन बिटवीन पाई बाय टू टू पाई बाय फोर, श्योर है? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, श्योर है? उल्टा हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन उधर ले जाता हूं, वन बाय रूट टू वन, सही है, माइनस वन बाय रूट टू और माइनस वन। फाइनली आप आंसर अपनी तरफ से लिख लेना, हो जाएगा? कोई इनइक्वालिटी का कोई कुछ पार्ट रह गया क्या?
हाँ बिल्कुल मैं रह गया, मैं ठीक कर देता हूँ। आप तब तक लिखना चालू करो, टाइम वेस्ट नहीं करें मेरे को करेक्ट कराने में। सही है, लीजिए आ जाओ फटाफट। उम्मीद है आपको पता होगा, अब तक हम तीन प्रॉपर्टीज माने चार प्रॉपर्टीज और दो राज की बातें कर चुके हैं, राज ए और राज बी, याद है आपको। अब अपन चलते हैं अगले राज सी, ठीक है। चलिए फटाफट से इस पे भी चर्चा कर लेते हैं, है ना। हाँ साहब, ये राज की बात क्या है इसके प्रूफ मैं आपको बाद में दूंगा, अभी तो फिलहाल सिर्फ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट है, ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग राज के अंदर क्या राज की बात समझेंगे, ठीक है ना। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू ITFs, दो ITF का सम या डिफरेंस, राइट है। इसमें पहला पॉइंट है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, में पहले यहां देखें साइन इनवर्स एक्स अंडर द रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कंडीशंस इसकी अगली लाइन में यहां लिखूंगा, ठीक है, वो बाद में, पहले मैं बता रहा हूं होता क्या है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू इतना होता है। आप में से किसी की थोड़ी सी भी बुद्धि काम कर रही है तो ध्यान से समझना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्योंकि अगर ये साइन ए है, ठीक है ना, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ए, साइन ए इधर कॉस ए, अगर ये साइन बी है तो वो कॉस बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नहीं आया। कॉस स्क्वायर आपको पता है, कॉस थीटा अगर एक्स है तो साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, नहीं है, कोई बात नहीं, आपको बस सिर्फ फील कर लो अभी, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर दूसरे पे ध्यान से देखना, मैं इसकी कंडीशन बाद में लिखूंगा, पहले मैं समझा रहा हूँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। अब ये कॉस ए प्लस बी लिखा है, आपको नहीं पता, अगर कॉस ए प्लस बी लिखा है तो कॉस इनवर्स में ध्यान से समझना, एक्स वाई माइनस अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, जो अच्छा बच्चा है ना उसको धीरे धीरे क्लिक करेगा पक्का ना, और कर रहा है, आपको नहीं पता, देखो जरा, साइन ए साइन बी माइनस माइनस आता है ना कॉस में, माइनस कॉस ए, क्योंकि एक्स अगर साइन है तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस है, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना। इसकी कंडीशन भी यहां लिख दूंगा, ठीक है, कंडीशन के लिए वेट एंड वॉच, एक लाइन है वो तो कोई खास नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है वो अब लिख रहा हूं, ठीक है ना, और वो है टैन इनवर्स, और यही हम लोगों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहलाता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम टैन इनवर्स में करते हैं, सबको टैन इनवर्स में बदल डालते हैं, और वो फार्मूला क्या है, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है टैन इनवर्स ब्रैकेट में, ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है, या फिर होता है पाई प्लस टैन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अच्छा, इसकी क्या कंडीशन है, ये तब काम में लेना है जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और आपका एक्स वाई एक से छोटा हो, ठीक है, ये कब काम में लेना है, जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और आपका एक्स वाई एक से बड़ा हो, ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझ लेना। ये तो हुआ टेन वर्स x प्लस टेन वर्स y, कितने लोगों को फील आ गया टेन ए प्लस टेन बी, क्लिक करने लग गया, नहीं आया, है ना। अब जरा दूसरी बात, इसका चौथा पॉइंट भी है लेकिन उतना काम का नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में जोड़ने में क्या डर है, लेकिन घटाते समय डर है, घटाते समय क्या डर है कि अगर बाय द वे एक्स वाई एक से बड़ा हो गया तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ, तो नेगेटिव के टाइम में माइनस बाहर निकालूं कि नहीं निकालूं, वो एक खर्चा लगा रहता है ना, तो दिमाग के अंदर चलता रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पे दो केस में खेलते हैं, सबसे ज्यादा काम का क्वेश्चन यही है बस, ठीक है। बाकी आप यहां तक लिख लो, इसकी कंडीशन में डाल देता हूं, ठीक है, आ जाइएगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन, लेस देन इक्वल टू वन, x पॉजिटिव y पॉजिटिव एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, सही है।
आप चाहें तो इसके प्रूफ भी एक पेज छोड़ दें और आगे चलें, ठीक है, क्योंकि प्रूफ में अभी मेरा इंटरेस्ट कम, क्वेश्चन में ज़्यादा है। आइए, है ना, हाँ एक पेज, क्योंकि एक पेज तो लग ही जाएगा। छोटे क्वेश्चन से शुरू करता हूं, क्योंकि वैसे तो मैं किसी और से स्टार्ट करता। 10 verse 2 plus 10 verse 3 इज अ गुड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपको यकीन होगा मेरे हायरार्की ऑर्डर में ये पांचवा क्वेश्चन है जो मैं पहले करवा रहा हूं, क्योंकि पांचवें क्वेश्चन में बाद में कराता हूं, बस छोटे क्वेश्चन बाद में कराता ताकि बच्चों को महसूस आए यार एकदम मरने वाली सिचुएशन नहीं, ऑक्सीजन आई है, आएगी आगे, ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, है ना। अब जल्दी से बताना x कितना, बहुत बढ़िया, y कितना, x y कितना, 6, एक से बड़ा कि एक से छोटा, एक से बड़ा, एक से बड़े के अंदर नीचे वाले बताओ, पाई प्लस लिख के चलू, अरे है ना, तो इसका मतलब मेरे को शुरुआत में लिख लेना चाहिए पाई प्लस टेन इनवर्स ब्रैकेट में कितना लिखूं बोलो, कितना 2 plus 3 upon 1 minus 2 into 3, श्योर है भाई, तो कितना लिखना है पाई प्लस टेन इनवर्स, कितना लिखना है 5 by -5, श्योर है, तो कितना लिखना है पाई प्लस टेन इनवर्स, मैं बोलता जा रहा हूं 10 verse -1, 10 verse -1 बोलो, धीरे बोलना, आराम से बोलना, -4, तो जल्दी जल्दी बोला करो ना, इसमें क्या टाइम लगाते हो, आंसर कितना लिखना है, ऐसा क्वेश्चन कर दोगे आप, है ना, फार्मूला पढ़ाए कर देंगे ना, चलो अगले बात है, ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, हाँ दिखा रहा हूँ ना, वो सब बता दूंगा आपको, चिंता ही नहीं करें, अगले बात आप तो फटाफट से राइटिंग की परवाह ना करें, काम के ऊपर दिमाग लगाएं, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा 1/7 प्लस में दे रखा 10 inverse 1/13, करो, हो गया, चलो मिलाते हैं, 10 inverse क्या कहते हो आप, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, थर्ड का ऊपर वाला या नीचे वाला, हाँ कौन सा ऊपर वाला, कितना 1/7 plus 1/13 upon 1 minus 1/7 into 1/13, क्या कहते हो, एलसीएम कैल्सियम बोलो, एलसीएम कितना 91, ये वाला भी 91, तो 91 से 91 तो कटने वाला है, ऊपर तब तक कई बच्चे जानते हैं 20 upon 91 minus 1 90 लिख दूं क्या, तो आपको बताओ आंसर इज 10 inverse 2/9, सही है, कितने लोगों का सही है, अरे वाह देखा, ऐसा चमत्कार तो पहली बार हुए सर मेरे से, सच्ची बता रहा हूं, आया हूं ना तब से, पहला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखा 10 verse a by b प्लस में दे रखा 10 verse ब्रैकेट के अंदर b minus a upon b plus a, देख लिया आपने, इतना बड़े ध्यान से सुनना है, ठीक है, हिंट दे रहा हूं अच्छे बच्चों को, एक लाइन में, इसमें ऊपर नीचे एक का डिवाइड कर दे, बाकी तेरी अच्छा, ऊपर नीचे एक का डिवाइड कर, बस तू तो लिख और एक का डिवाइड कर दे पीछे वाले हिस्से में, अब डिवाइड कैसे करते हैं वो सोचना, जल्दी लिख करो जल्दी जल्दी कि साहब लीजिए सर, ऊपर भी एक का डिवाइड, ये दिख रहा है मुझे, लिख दिया क्या, हाँ भाई मिलाओ पहली लाइन, क्योंकि आप में से कई लोग तो डिवाइड करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे कौन से आंसर डिवाइड करूँ, लेफ्ट से राइट से, सही है भाई, हाँ भाई डिवाइड करो, ए से डिवाइड करते इट इज b/a -1 upon b/a +1, श्योर है, अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप में से कई लोग अब सोच रहे होंगे कि अब क्या करना है, क्या आपको ध्यान से सुनना, देखो ये ध्यान से सुनना, ये b/a+1 दिख रहा है मुझे, नहीं दिख रहा मुझे, ये 1 plus b/a दिख सकता है क्या, सोच लेना आप अच्छे से, दिख रहा है आपको, अरे b/a+1 या 1 plus b/a, अच्छा क्या मैं इसे 1 plus b/a into 1 लिख दूं क्या, अब कितने लोगों को लगता है 10 verse, ध्यान से सुनना, 10 verse x minus y upon 1 plus xy, इसका मतलब ये वाला फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में उल्टा जाऊं तो इसको ऐसा लिखता हूं, इट इज इक्वल टू 10 verse x minus 10 verse y, अब बताओ x कौन, b/a, और y कौन 1,
अच्छा कितने लोगों को लगते हैं ये और ये तो सर, हाँ कितना फाइव बाई टू, बताने ही नहीं अपने को तो किसी को, मेरी तो इच्छा भी नहीं थी, किसी बच्चे ने ढंग की जगह फेंक दिया मेरे को, इन सबकी जगह फाइव बाई टू, पता नहीं कैसे, पीछे फाइव बाई फोर, आंसर फाइव बाई फोर, ठीक है ना। अब कई लोगों की जान अलग में आ गई, ये क्या हुआ, ठीक है, बहुत सही थ्रो था, बहुत सही थ्रो था, ठीक है, बताना ही नहीं दिया मुझे, ये हुआ क्या, ठीक है। अच्छा आपको ये बात तो समझ में आ गई, उल्टा कैसे आ गए, आ सकते थे तो आ गए, ठीक है। आपको अगर ये कहानी पकड़ना आ गई तो अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ रहा हूं, जल्दी से सुनना पड़े, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, टू कॉस इनवर्स 3/√13 प्लस कॉट इनवर्स 16/63 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू पाई, शो दैट, ठीक है, दिखाना है भाई ये तो। हाँ भाई एक ही रूल है, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, इफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट और लेंथी, ठीक है ना, कन्वर्ट, ठीक है ना, ऑल ITF इन tan इनवर्स। अगर क्वेश्चन जरा सा भी दिख जाए, हल्का सा भी भनक पड़ जाए, अरे लंबा जाएगा, जैसे अगर कोई, जैसे मैंने अभी वो क्वेश्चन कराया tan inverse 2 प्लस tan inverse 3 कराया था ना, कोई कहे वो लेंदी है, ठीक है, तो अपन मान जाएंगे भाई लेंदी है भाई, बहुत लेंदी है, ठीक है, लेकिन इसको देख करके कोई भी कह सकता है कि भैया सर ये लेंदी जा सकता है मेरे को लग रहा है, क्योंकि 3/√13 16/63 अजीब अजीब से नंबर है, इसका मतलब मेरे को यहाँ समझदारी ये tan inverse में बदल लेता हूँ, मैंने कहा बेस्ट है, लेकिन बीच वाले को नहीं बदलना, क्योंकि बीच वाला तो बदला भाई है, इसको तो पलटना है, अरे इसको पलटते tan inverse में बदल गया तो बदल गया, तो इसका मतलब मेरे को सिर्फ दो का पीछा करना है, जिसमें भी मेरा रूल मैं आपको सिखा चुका हूं, जिसमें 1/2 है उसको पूरा थीटा लूंगा, और जिसमें 2 है उसमें सिर्फ अंदर वाले को थीटा लूंगा, सिखा चुका हूं ना, इसका मतलब ये कि मेरे को पहले हाथों हाथ एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलने के लिए ट्रायंगल, ट्रायंगल माने पाइथागोरस पाइथागोरस, यहां तक की बात बराबर है, तो सबसे पहली बात कॉस इनवर्स 3/√13 बराबर थीटा ले लूं, इसका मतलब आपका अंदर बता देगा कॉस थीटा बराबर 3/√13 एलसीएम कैल्सियम बता दूं, सॉरी वो ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर 3/√13 जल्दी से बताएंगे कितना 2 tan थीटा, सोचो कितने लोगों को पता है tan थीटा कहां से आ गया, tan थीटा क्यों आया, क्योंकि मेरे को tan इनवर्स में बदलना है, अरे tan इनवर्स में बदल tan थीटा आएगा ना, तो tan थीटा कितना 2/3, तो इसका मतलब tan इनवर्स 2/3, क्या आप ये समझ गए, इसकी जगह मेरे को 2 tan इनवर्स सॉरी 2 tan इनवर्स 2/3 दिख रहा है, आसान हो गया ना। अच्छा अब इस पर आ जाओ, इसके अंदर मुझे क्या करना है 1/2 cos इनवर्स 7/25 कर दूं इक्वल टू, एक बार फिर थीटा मान लेता हूं, तो इसका मतलब ये कि 7/25 बराबर में जानकर बच्चे के लिए खास जानकर cos 2 थीटा, लेकिन मुझे किस में बदलना है tan थीटा, मुझे किस में बदलना है tan थीटा, क्योंकि मेरे को tan थीटा चाहिए, वरना 2 tan थीटा 2 tan इनवर्स में ले जाएगा मेरे को, अब यहां भरपूर चालाकी आनी चाहिए, हाँ 1 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 tan स्क्वायर थीटा, सट्टा से ने मेरे को tan थीटा पे पहुंचा देगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 7+7 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25-25 tan स्क्वायर थीटा, क्या ये बात समझ में आ गई आपको, यानी आई, ठीक है। अब आगे की बात सुनिएगा, है ना, इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको इधर की तरफ से देखता हूं तो 25 में से 20 7 गया कितना बच गया कितना 18, इधर की तरफ 25 को इधर देखता हूं तो 32 32 tan स्क्वायर थीटा पक्का है ना भाई, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर बोलो आप जल्दी से, हाँ 3/4 की तरफ, हाँ 9/16 नहीं है, अरे 18/32 माने 9/16, क्या ही पकड़ में आ रहा है क्या, इसका मतलब tan थीटा बराबर, बिल्कुल tan स्क्वायर थीटा से बन गया tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, प्लस माइनस का आप ही को सोचना है, क्यों नहीं लिया माइनस, आपको थीटा इज इक्वल टू दिख गया, tan इनवर्स अभी भी नहीं दिखा, अच्छा ये बदल गया, ये बदल गया, अब फाइनली बदलने के बाद किधर गया वो दिखा रहा हूं मैं, है ना, अब ये पूरा एक्सप्रेशन नाउ बिकम्स, है ना, सो एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कितना हो गया 2 cos इनवर्स की जगह लिख रहा हूं tan इनवर्स 2/3 लिख दो भाई, प्लस tan इनवर्स कितना लिख लो बोलो जल्दी बोलो
जल्दी जल्दी 63/16। हाँ मुझे दौड़वाइए आप, मदद भी करिए, आप लिखते भी चलना। अच्छा प्लस में कितना, 1/2 की जगह पूरा थीटा ना, टेन इनवर्स 3/4। क्या कहते हो, यहां तक लिख दो, ये मेरे लिए क्या बन गया एक्सप्रेशन। अच्छा अब यहां एक और बात, ये कितने हैं, दो हैं, गड़बड़ है। अच्छा आप बताओ इन दोनों के साथ डील करना पसंद करोगे, ये इन दोनों के साथ, तीनों तो एक साथ नहीं उठा सकूंगा ना। पहले तो टेन वर्स ए प्लस टेन वर्स बी लगेगा, पहले तो टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई लगेगा ना। तो इन दोनों के साथ डील करोगे, इन दोनों के साथ या इन दोनों के साथ, कॉर्नर कॉर्नर ना ना ना, कॉर्नर कॉर्नर के साथ, ये मिडल और कॉर्नर, मिडल और कॉर्नर किसके साथ करना चाहिए समझदारी से, कॉर्नर कॉर्नर मैं मिलाता हूं, देखो सर। अच्छा दर, अब यहां चालाकी देखो, चालाकी सीखो, चालाकी क्यों, क्योंकि आपकी गाड़ी इतनी दूर पहुंच के ना अटके, मैंने इसको तोड़ दिया, टेनवर्स 2/3 प्लस टेनवर्स 3/4 को पास लाया, टेनवर्स 63/16 को दूर फेंक दिया। क्या आपने ध्यान से देखा मैंने क्या चालाकी करी, मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए ताकि मैं इन दोनों के साथ सोच सकूं। क्या बता सकते हैं एक्स वाई का, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना, इन दोनों का 1/2, एक से छोटा माने नॉर्मल, सही है। तो यहां लिख देता हूं टेन वर्स में कितना, 2/3 प्लस 3/4 अपॉन में 1 - 2/3 इंटू 3/4। श्योर? अच्छा तब तक कई बच्चे सोच रहे हैं टेन वर्स में क्या क्या सोचा जा सकता है। एलसीएम हो गया 8 और 9 17/6 बहुत बढ़िया, ठीक है, इस सबकी जगह 17/6, इसको कॉपी करते हैं टेन वर्स 2/3, सही है। अच्छा प्लस में टेन वर्स इसको भी 63/16 पढ़ा रहने देते हैं। अच्छा जल्दी से इन दोनों पे फिर हिसाब लगाओ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक से बड़ा या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो मेरे हिसाब से पाई प्लस लिख दो, पाई प्लस टेन वर्स अंदर ही अंदर 2/3 प्लस 17/6 अपॉन 1 - 2/3 इंटू 17/6 प्लस के अंदर कितना, टेन वर्स ब्रैकेट में 63/16, इसको तो छेड़ ही नहीं रहे पन, सही है। हाँ भाई अब लास्ट मोमेंट, अच्छा 18 प्लस में टेन वर्स, 18 - 34 कितना होता है, 18 - 34 16 होता है, तो नीचे तो आ गया माइनस का 16 और ऊपर हो गया 12 और 17 3 51 और 12 63। ओ बहुत ही प्यारा नंबर, कितने लोगों को लगता है अरे ये तो गया, क्या आपको लगता है गया, ये माइनस का क्या करोगे, 12 आएगा क्यों, क्यों 12 आएगा, माइनस आएगा क्या, 12 आएगा, ऑड है ना, अरे ऑड फंक्शन है, माइनस 12 आएगा, माइनस 12 थे ये और ये कट गया, क्या बच गया, गुड आया, एक क्वेश्चन ही भरपूर है, ठीक है। ये मेरा पहला क्वेश्चन होता था, ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये पहला करा दिया होता तो पता है ना आदम क्या मैंने जल्दी छोड़ दिया, अरे वो मेरे को आज करवाना ही था, ये पता है हर बार मैं, पिछली बार मैंने क्वेश्चन दे दिए थे आपको और फिर मना करना पड़ गया कि नहीं ये मत करना। उम्र मैं बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 3 का टाइम आ गया भाई। ओ अब चलता हूं यार।